नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ में सृष्टि पांडे। देश में लॉकडाउन पार्ट टू का आज तीसरा दिन है। इस कड़ी में सभी को घर पर रहने की हिदायत दी गई है। न्यूज़ वन इंडिया भी आपसे यही लगातार अपील करता है कि आप भी अपने घरों पर रहिए, लॉकडाउन का पालन जरूर करिए। न्यूज़ वन इंडिया के साथ साथ कई फिल्म स्टार और सिंगर भी न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से आपसे अपील करते रहे हैं और सभी को बताते रहे हैं कि वो किस तरीके से इन दिनों लॉकडाउन में अपना समय बिता रहे हैं। तो चलिए आपको रूबरू कराते हैं आज के हमारे खास मेहमान से, गीतकार रविंद्र कुमार जी से। और इस तनाव भरे माहौल के बीच में संगीत के सुरों का आपको जाहिर तौर पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन जरूर होता है और हम कहीं ना कहीं वही माहौल आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। रविंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। जी बिल्कुल रविंद्र जी, शुरुआत में इसी से करना चाहूंगी। जाहिर तौर पर सभी लोगों ने कहीं ना कहीं, तमाम फिल्म स्टार्स ने और आप जैसे सिंगर्स ने अपील भी की लोगों से और अपने किस तरीके से वो अपना समय बिता रहे हैं, अपना उनका रूटीन क्या है, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल हर किसी का होता है, आप लोगों का भी होता है, शूट्स चलते हैं एंड ऑल, ये सारी चीजें, तो कैसे समय कट रहा है पहले तो आप ये बताइए। समय अपने आप को आजकल बहुत अच्छा जी, उन हॉबीज को आप फॉलो कर सकते हैं, घर में कुकिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपना रियाज कर सकते हैं और काफी बिजी रहने के तरीके हम नहीं सोचे थे। इस लॉकडाउन ने हमको मौका भी दिया है, कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हालांकि परेशानी, पूरे देश में परेशानी का माहौल है, बट हमको लॉकडाउन का पालन करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये समस्या बहुत विकराल रूप ले लेगी हमारे देश। नहीं बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन हम पूरे समय कहीं ना कहीं कोस ही नहीं सकते। एक अच्छे माहौल के साथ में भी टाइम को हमें स्पेंड करना है। तो मैं, जिस तरीके से आप तमाम गाने लिखते हैं, गाने बनाते हैं और आप खुद बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो मैं आपसे यही चाहूँगी कि अभी जी बोलिए। मैं लिखता नहीं हूँ, मैं गाता हूँ जी, मैं सिंगर हूँ बिल्कुल। तो मैं ये आपसे जाहिर तौर पर गुजारिश करूंगी कि आप कुछ गाएं दर्शकों के लिए भी, ताकि थोड़ा माहौल, थोड़ा मूड उनका भी हल्का हो, इस सिचुएशन में फाइट बैक करने के लिए उनको सपोर्ट मिले। कि अभी क्या हुआ था, गुलजार साहब ने एक गजल लिखकर व्हाट्सएप पर डाली थी और वो काफी वायरल हो गई थी गजल, तो उसके जो लिरिक्स है ना, मुझे बहुत अच्छी लगे आजकल के माहौल को देखते हुए। तो मैंने एक ट्रैक है किसी फिल्म के गाने का, मैंने उस ट्रैक पर उस गजल को गाकर मैंने फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर अपलोड किया, वही मैं गजल आपको सुनाना चाहता हूँ। एंड इट्स अ गुड मैसेज टू द पीपल, कोरोना मैसेज टू द पीपल, वो मैं जाकर सुनाता हूँ आपको जी। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आँख मिलाने की जरूरत क्या है, बेवजह से निकलने की जरूरत क्या है, दिल बहलने के लिए घर में वजह काफी है, दिल बहलने के लिए घर में वजह काफी है, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है, बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है। इस तरह की गजल मैंने गाकर अपलोड की थी फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर। बिल्कुल रविंद्र जी, जाहिर तौर पर दर्शक कहीं ना कहीं और कुछ ना कुछ आपसे और जरूर सुनना चाहेंगे अभी, क्योंकि टीवी देख देख कर हम लोग लगातार उनको यही बताते हैं कि आप कैसे सुरक्षित रहिए, कैसे घर में रहिए, आंकड़े क्या है क्या है, लेकिन अभी चूंकि मौका मिला है हमें, तो जाहिर तौर पर हम चाहेंगे कि आप कुछ और गाकर सुनाएं। जी जी जी, शिष्य जी, इस माहौल में आपको ना बड़ा पॉजिटिव रहना है, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना, कोशिश करो, बड़ा आप आशावादी रहो,
और आशावादी रहेंगे तो उससे काफी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल, इम्यूनिटी लेवल वो सब बढ़ेगा। तो कुछ गाने पुराने मुझे आज याद आए हैं कुछ, तो मैं उनकी कुछ एक दो लाइनें गाकर, एक गाना था फिल्म मेरी जंग से, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम मगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। कॉन्फिडेंस लेवल आशावादी हम लोग रहने चाहिए, तभी हम इस जंग को जीतेंगे। हमारे हालांकि लॉकडाउन में टाइम पास करना इतना आसान नहीं, कह देना बहुत अच्छा लगता है बट टाइम पास करना बड़ा मुश्किल होता है, बट हमको पॉजिटिव रहना है, हमको आशावादी रहना कि आने वाला जो टाइम है तो बहुत अच्छा टाइम हम लोग बिताएंगे। अभी कुछ समय ये भी निकल ठीक है रविंद्र जी, साथ ही मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जो इस वक्त देश में माहौल है, हम कोरोना से तो लड़ रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं उनकी सोच से, उनकी मेंटालिटी से भी हमें फाइट बैक करना पड़ रहा है, उन लोगों के लिए आप कुछ अगर संदेश देना चाहें तो। ये बहुत दुखद इंसिडेंट है कि कुछ कुछ लोगों की वजह से हमारा जो कोरोना का जो आज मोर्टेलिटी रेट था, कोरोना के जो केसेस थे बढ़ गए। अगर वो लोग ये बेवकूफी नहीं करते तो आज हमारा ये कोरोना बिल्कुल कंट्रोल में आ गया होता। तो मेरी उन लोगों से गुजारा से रिक्वेस्ट है कि ये उन्हीं के फायदे के लिए बात है, उनकी जिंदगी के फायदे की बात है, उनकी फैमिली के फायदे के लिए बात है, कृपया करके लॉकडाउन में रहें और जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करें ताकि आगे ये बीमारी ना फैले। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से कहीं ना कहीं हम भी लगातार कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा मूड चेंज हो, थोड़ा सा माहौल चेंज हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जरूरी भी है कि इस समय को हमें किसी तरीके से निकालना है, तो हंसी खुशी इस समय को निकाला जाए और सतर्क रहकर, सावधान रहकर अपने घर में रहिए। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मुझ जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।